लिख नहीं सकते, बना तो सकते हो, मेरा मोटो है। और इसमें वो बच्चे जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं और जो स्पेशली स्ट्रीट किड्स हैं जिनको इस तरह के वसाइल मैसर नहीं है कि वो दूसरे कोई स्किल्स हासिल कर सके, आगे बढ़ सके, उनके लिए स्पेशली मेरा ये इदारा है, मेरी फाउंडेशन है। तो मेन मकसद हमारा यही है कि ये बच्चे ब्रश की ताकत के ज़रिए से ये आगे बढ़े और माशरे में एक मकाम हासिल कर सके। रंगीत आर्ट फाउंडेशन का मैंने एक साल पहले इफ्तिताह किया था और माशाल्लाह अभी हमें अगस्त में एक साल भी हो चुका हुआ है। एक बच्ची आई थी जो अभी भी मेरी स्टूडेंट है और वो मेरे दरवाजे पे आई थी, वो बेघर थी, भीख मांगने के लिए आई थी और वहाँ से मैंने उस बच्ची से इब्तिदा की। मैं खुद इस तरह के हालात से गुजरी हूँ अपने पास्ट में और मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और मैंने काफ़ी चैलेंजेस का मुकाबला किया है। इस वजह से मैं चाहती थी कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी इन बच्चों में कन्वर्ट करूं और इनको अपने जैसा बनाऊं, मल्टीपल टास्क पे ये काम कर सके। और इन बच्चों का आपस में एक, मैं ये कहूंगी कि इस तरह ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनका होता है कि ऑटोमेटिकली एक दूसरे से इनको पता चलता रहता है। कुछ के पेरेंट्स से मैंने बात की संडे मार्केट वगैरह में, जो बच्चे इस तरह होते हैं मोस्टली मेरे पास वहाँ के भी किड्स हैं जो वहाँ पे हाथ गाड़ी वगैरह और वो उस टाइप का काम करते हैं, तो वो भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे एक सिस्टम चलता गया और बच्चों की तादाद बढ़ती गई। आर्ट चूँकि बहुत एक एक्सपेंसिव काम है, मतलब लेने पे तो मैं हज़ारों बच्चे भी ले लूँ, बट अब चूँकि मेरी इतनी अफोर्डेबिलिटी फ़िलहाल नहीं है, इस वजह से मेरे पास टोटल तादाद 67 हो चुकी है और इसमें मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की शिफ्ट्स चल रही होती हैं। तो एजुकेशन को तो ऑब्वियसली आप चैलेंज नहीं कर सकते, इस वजह से हमने यहाँ पे एक एजुकेशन का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है। यहाँ पे वो बच्चे जो अपनी एजुकेशन छोड़ चुके हुए हैं, जैसे मेरे पास 8वीं के स्टूडेंट हैं, जैसे मेरे पास 5वीं के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कुछ ना कुछ वजूहात की बिना पे छोड़ी हुई है, उन बच्चों को हमने वहीं से कंटिन्यू करवाया है ताकि वो प्राइवेटली अपने एग्ज़ाम्स दे सके। प्लस हमारा कंप्यूटर 6 मंथ का डिप्लोमा है, कैलीग्राफी की क्लासेस है हमारी, आर्ट की है। फ्यूचर में मेरा यही इरादा है कि जैसे मेरी अपनी दूसरी ब्रांचेस रंगीत की मैं ओपन करूंगी, ये बच्चे एज अ टीचर वहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे और मैं इन बच्चों को लेके इस इदारे को इसी तरीके से बढ़ाती जाऊँगी ताकि यही बच्चों को एक रोज़गार मिल सके।